बिल्कुल, पिताजी के ही इन्फ्लुएंस से हम इतने अगर अच्छे काम कर रहे हैं। अगर पिताजी आएंगे, अगर मानवता भलाई के काम आज इतने हैं तो कल बढ़ेंगे अगर पिताजी आएंगे। पिताजी में और, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा अच्छे काम और हो सकते हैं, लेकिन पिताजी के माइंड में अगर पिताजी इतने बताए हैं तो क्या पता जब पिताजी आएंगे तो और काम बताएंगे, हम वो भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेरा सच्चा सौदा की एक वेल एजुकेटेड यूथ लड़की। जानते हैं उनसे बातचीत करके क्या कारण है उनका आज भी डेरे से जुड़े होने का। करते हैं लाइव बातचीत। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम कोमल है। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? मैं 2005 में मैंने नाम शब्द लिया था, और वैसे तो हमारे दादाजी के टाइम से हम यहीं पे जुड़े हुए हैं सारा परिवार। बीइंग गर्ल, आप कैसा फील करते हो यहाँ पे? आई फील वेरी सेफ हियर। टुडे वी सी लॉट ऑफ गर्ल्स फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, बट व्हेन वी कम हियर वी सॉ अ ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल एटमोसफियर, एंड बीइंग अ गर्ल आई रियली फील वेरी सिक्योर ओवर हियर। मैम, आपका कहना है कि काफ़ी सिक्योर आप यहाँ फील करते हैं, लेकिन बाहर लोगों का कुछ और ही कहना है, तो आप उन्हें क्या जवाब देना चाहते हो? वी आर एजुकेटेड, आई एम BSc ग्रेजुएट, एंड साइमेंटेनियसली आई एम डूइंग UPSC प्रेपरेशन, एंड आई एम नाउ आई एम परस्यूइंग माई BEd. And being an educated person, I would say the person who are saying that we are not secure, to them I would like to say that I am being an educated girl, I am saying this thing that we are safe. आप एजुकेटेड यूथ होने के बावजूद डेरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाहर लोगों का, मीडिया का ये भी कहना था कि यहाँ से सिर्फ अनपढ़ लोग, अंधभक्त लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या आप रिप्लाई करोगे? आप आई टोल्ड यू कि मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और मैं एजुकेटेड हूँ, तो सीरियसली आई एम नॉट अ अनपढ़। तो मैं अनपढ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जहाँ पे इंटेलेक्ट होते हैं वो हर एक चीज़ को देख के, हर एक चीज़ को समझ के बात करते हैं, तो अगर मेरे को आप एजुकेटेड समझते हो तो आप मेरी, ये तो मैं कह ही सकती हूँ कि मैं अनपढ़ तो नहीं हूँ। और अगर एजुकेटेड हो और मैं ये बात कह रही हूँ तो सीरियसली कुछ तो इसमें बात होगी, अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो अगर जो कहते हैं उन्हें सबसे पहले आके देखना चाहिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है। वहाँ पे मीडिया पर्सन जो अपने रूम में सिर्फ बैठ के बात करते हैं, उनको ग्राउंड में आके, फील्ड में आके ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम यहाँ पे कैसा फील करते हैं, हम एजुकेटेड हैं। और अगर हम ये बात कह रहे हैं तो मेरे को तो लगता है कि हम सही कह रहे हैं। और जो मेरे साथ UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा, अच्छे भलाई के, मानवता भलाई के काम हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो वैश्याओं को बेटी बना के उनकी शादी की जाती है। जो एजुकेटेड अपने आप को मीडिया वाले कहते हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे यूथ ये चीज़ कर रहा है तो कुछ तो बात है। मैम, अभी आपने बताया कि हम वेश्याओं की शादी कराई जाती है, अगर बात की जाए इस टॉपिक को लेके, इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, तो किस तरह से गुरुजी ने वेश्याओं के लिए क्या किया, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। सबसे पहले फील्ड में जाना, उस एरिया में जिसको बहुत ही गलत माना जाता है, उस फील्ड में गए हैं, ठीक है। जो डेरा प्रेमी है, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई अपनी विंग है, वो गई है वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ पे एनालिसिस कराया, हर एक सिचुएशन को उन्होंने देखा है कि वहाँ पे कैसी उनकी कंडीशन है। सम गर्ल्स वांटेड टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं, तो उनको जाके उनसे बात करना, दिस इज़ वेरी डेंजरस, वहाँ पे आने नहीं देते बाहर। तो वहाँ पे जाके अगर उन्होंने वो डेंजर फेस करके वहाँ से गर्ल्स को लेके आए हैं, फिर यहाँ पे आके पिताजी ने उनको अपनी बेटियाँ बनाया, उनके जब नाम लिखा जाता है फादर का तो पिताजी ने अपना नाम लिखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी यहाँ पे शादी। और वो अभी इतनी ज़्यादा खुश है यहाँ पे, हम जब उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एक गंदगी से बाहर आए हैं, और वो कहते हैं कि हमें एक नई ज़िंदगी मिली है। तो हैट्स ऑफ टू पिताजी, हैट्स ऑफ टू पिताजी। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क डूइंग दिस, हैट्स ऑफ। यप मैम, ऐसी कितनी लड़कियों की शादी गुरुजी करा चुके हैं? ने बताया कि ऐसी लड़कियों की गुरुजी ने शादी कराई है। मेरे को लगता है 20-25 शादियां हो चुकी हैं। शादी सक्सेसफुल है? हाँ जी, सभी सक्सेसफुल रही हैं शादी। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो इसका क्या इफेक्ट समाज पे पड़ रहा है? जो सफाई अभियान के काम हो रहे थे सबसे पहले तो वो रुक गए हैं,
क्योंकि सफाई अभियान जाते थे हम, सभी संगत सभी प्रेमी जो जुड़े हुए हैं वो जाते थे वहाँ पे सफाई करके आते थे। वो अभी बिल्कुल बंद हो चुके हैं जब से पिताजी गए हैं। सेकेंडली जब से पिताजी गए हैं सबने यहाँ पे नशा छुड़वाया जाता था, नशा अभी आते नहीं है छुड़ाने के लिए, तो वो चीज़ बढ़ रही है। हमारे जो एरिया है वहाँ पे जो गर्ल्स सेफ फील करती थी डेरा के लिए, अभी वो सेफ फील नहीं कर रही हैं। अभी उनके साथ कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बाद अदरवाइज़ यहाँ पे तो कोई भी ऐसा सिचुएशन कभी आई नहीं है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एकदम से होता है ना वैनिश्ड हो गई हैं, कि होनी चाहिए थी और नहीं हो रही हैं, वो बहुत चीज़ें हम फेस कर रहे हैं कि अगर पिताजी होते तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी थी, अगर पिताजी होते तो समाज सुधरता, समाज में अच्छे काम होते, वो सभी एक बार के लिए थोड़े से कम हो गए हैं पिताजी के जाने के बाद। बहुत सारे एलिगेशन गुरु जी के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दे आर जस्ट फेक एलिगेशन, आई डोंट बिलीव दैम, बिल्कुल फेक है ये एलिगेशन। अगर ऐसा होता तो मैं भी वहीं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो मैं आपको एक रियल केस बताना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड थी वो यहाँ पे आके डेरा को मानने लगी थी, अदरवाइज उसके जो बैकग्राउंड उसकी फैमिली है वो डेरे को नहीं मानती, लेकिन फिर भी वो थर्ड स्टैंडर्ड से डेरा में पढ़ी है, थर्ड स्टैंडर्ड से, और वो हॉस्टल में रही है। अगर उनके पेरेंट्स नॉन डिवोटिंग है, अगर वो अपनी और वो सबसे कहते हैं कि सबसे सिक्योर हमारी जो बेटी है वो हॉस्टल में रही है, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में रही है, तो ऐसा होता ही नहीं। अभी हम जब पढ़ते थे कोई केरला से स्टूडेंट आता था, कोई महाराष्ट्र से आता था, कोई दिल्ली से भी यहाँ पे आता था, अदरवाइज दिल्ली की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट फिर भी यहाँ पे एजुकेशन मतलब वहाँ पे करने आते हैं वो, क्योंकि वो एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि बहुत सिक्योर फील करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारे स्कूल में पेरेंट्स को भी आने के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर ही उनको परमिशन दी जाती है कि आप अंदर आ सकते हो, और उसके बाद फैमिली कार्ड में जिन जिन की पिक्चर है सिर्फ वही अंदर एंटर कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई आए और कहे कि ये मेरी डॉटर है या मेरी सिस्टर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो कोई नहीं मिल सकता, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और बीइंग अ नॉन डिवोटी पर्सन, आपकी अगर बेटी यहाँ पे पढ़ रही है तो इट मीन्स दे आर फीलिंग सिक्योर कि उनकी बेटी यहाँ पे सिक्योर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम एक अफवाह ये भी सुनने में आई, एक खबर ये भी सुनी है कि यहाँ जो गुरुजी से लोग जुड़े हुए होते हैं, गुरुजी अपने जो गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं, गुरुजी अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा तो कुछ मैंने फील नहीं करा। कि पहले पिताजी जब नाम शब्द देते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने गुरु को पहचानो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये गुरु हैं हमारे, तभी आप यहाँ से जुड़े। तो पिताजी हर एक चीज़ बताते हैं कि हमारे समाज में ये हो रहा है, हम ये गंदगी छुड़वाएंगे, हम आपको नशा छुड़वाएंगे, आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे, हर एक चीज़ को पिताजी पहले रखते हैं। और जिसको अच्छा लगता है, जिसको बिलीव होता है कि नहीं, जैसे कि कईयों के फैमिली में शराब पीते थे, उनके शराब पीना छोड़ गए, उनका घर स्वर्ग बन गया, तो उनको ये होता है कि हम भी मतलब उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया, तो वो जुड़ जाते हैं। ऐसा ब्रेन वॉश का तो कोई किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? आजकल तो सभी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो ऐसे कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हर एक का दिमाग है, हर एक दिमाग से अपना पहले सोचे समझे उसके बाद ही जुड़ते हैं। और हमने भी जब नाम लिया था, हमने भी देखा था कि हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई कलेश नहीं है, कोई शराब नहीं पीता। मेरे ब्रदर्स जो हैं, आज मैं अगर मैं बाहर रहती हूँ, मैं पंजाब में पढ़ती हूँ, मैंने वहाँ पे नशे बहुत देखे हैं, इतने नशे हैं, मतलब कि जो यूथ है वहाँ पे वो नशे करके कहीं गिरा पड़ा होता है, कहीं कहाँ गिरा होता है। और अगर मैं अपने ब्रदर्स को देखती हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम डेरे से जुड़े हैं, मेरे ब्रदर्स कभी भी ऐसा नशा नहीं करते, नशा छुड़वाया पिताजी ने सबका, और मेरे ब्रदर्स स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो उन्होंने कभी भी नशा नहीं करा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम बैठते हैं घर में तो सिर्फ मानवता भलाई की बात होती है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें लोगों का ये करना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है हमारे अगर अंदर ये चीज़ें हैं कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो ये पिताजी की वजह से है हमारे लिए। तो ब्रेन वॉश का तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, सभी अपने दिमाग से, सब अपने थॉट्स से ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पिताजी बुराई छुड़वाते हैं, अच्छे काम करवाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरह की एजुकेशन गुरुजी अपने फॉलोअर्स को दिया करते हैं? पिताजी सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपने नशा छोड़ना है, आपने सबकी मानवता भलाई करनी है, आपने शराब नहीं, जब हम नाम लेते हैं तो पिताजी वचन हमें तीन फॉलो कराते हैं कि आपने मांस अंडा शराब नहीं खानी है, क्यों, और ये हम बिल्कुल भी नहीं करते। एक तो ये चीज़ होगी,
ऊपर से पिताजी जब हम 100 जो मानवता भलाई के काम है वो 120-125 के करीब है, तो उसमें पिताजी हमें बताते हैं कि आपने ट्री प्लांटेशन करनी है। भींगा यूपीएससी कैंडिडेट, आई नो कि सिचुएशन क्या है इन्वायरमेंट की, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रह पा रहा है, तो इन दैट कंडीशन ट्रीज आर द ओनली सेवियर टू द अर्थ। तो पिताजी बताते हैं कि हमें ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस, और ये चीज़ें पिताजी ही बताते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हम सिर्फ पेड़ों को काटे जा रहे हैं। डेवलपमेंट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें अगर ट्री को काटना पड़ रहा है दिस इज़ नॉट गुड। तो पिताजी हमें बताते हैं कि आप ट्री प्लांटेशन करो, ट्री प्लांटेशन से जो है कि हमारी अर्थ सेव हो सकती है। तो अगर ये हम ट्री प्लांटेशन पिताजी की वजह से ज़्यादा कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा वन डे में ट्री प्लांटेशन का, जो 15 अगस्त को हमेशा लगता है ट्री प्लांटेशन पिताजी के बर्थ। क्या ये ट्री प्लांटेशन गुरुजी के आज गुरुजी समाज में नहीं है तो आज भी किए जा रहे हैं? पिताजी की शिक्षा से तो कर रहे हैं, और सिर्फ डेरा प्रेमी ही कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके। पिताजी ने हम गए हुए हैं, पिताजी ने वहीं से भी हमें कहा है कि बेटा आपने मानवता भलाई के काम छोड़ने नहीं है, आपने वही करना है। तो आज भी जब भी ये अभी 15 अगस्त गया है तभी भी हमने ट्री प्लांटेशन किया है, सेम डे जैसा पिताजी चाहते थे वैसे ही हम ट्री प्लांटेशन अभी भी कर रहे हैं पिताजी की रहमत से। डेरा फॉलोअर जो पहले वेलफेयर वर्क किया करते थे वो आज भी कर रहे हैं? बिल्कुल, पिताजी ने वचन किया, अभी भी पिताजी की जो हमारे पास चिट्ठी आई है उसमें पिताजी ने कहा है कि बेटा आपने मानवता भलाई के काम नहीं छोड़ने हैं, जितना बढ़ चढ़ के आपने मानवता भलाई के करने हैं काम तो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हम वो मानवता भलाई के काम, और हम करते रहेंगे पिताजी की शिक्षा से। तो आप चाहते हो गुरुजी समाज में आए? बिल्कुल, पिताजी के ही इन्फ्लुएंस से हम इतने अगर अच्छे काम कर रहे हैं, अगर पिताजी आएंगे, अगर मानवता भलाई के काम आज इतने हैं तो कल बढ़ेंगे अगर पिताजी आएंगे। पिताजी हमें और, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा अच्छे काम और हो सकते हैं, लेकिन पिताजी के माइंड में अगर पिताजी इतने बताए हैं तो क्या पता जब पिताजी आएंगे तो और काम बताएंगे, हम वो भी करेंगे। हम बात यह है कि सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो हमें पिताजी बताते हैं क्या क्या होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि पिताजी आएँ और हमें बताएं कि ये अच्छी चीज़ें हैं बच्चा और आप करो, तो हम ज़रूर करेंगे। आप अपनी वीडियो के थ्रू क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? मेरा बस सोसाइटी से यही मैसेज है कि हम चाहते हैं कि हमारे गुरु जी वापस आ जाएँ। जो मीडिया दिखा रही है वो मीडिया फेक दिखा रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी जानना है डेरे के बारे में प्लीज़ यहाँ पर आइए, हमसे बात कीजिए, हम स्कूल्स में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, अगर आपको कोई डाउट है हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन पिताजी का आना इस सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो अगर पिताजी आएंगे तो बहुत कुछ होगा आगे और अच्छे ही काम होंगे। प्लीज़ पिताजी को हम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हो? गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि प्लीज़ दोबारा एनालिसिस करिए हर एक चीज़ को, प्लीज़ यहाँ पर आके देखिए आपकी हमें कैसा फील हो रहा है पिताजी के जाने के बाद। हमारा एक तरह से मोराल अभी डाउन हो चुका है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन जब पिताजी होते तो अलग ही जोश होता था काम करने का सोसाइटी के लिए। तो गवर्नमेंट से प्लीज़ यही अपील है कि आप एक बार दोबारा एनालिसिस करें हर एक चीज़ की, और पिताजी को हम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं बस। थैंक यू मैम। आपने देखा हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा की एक वेल एजुकेटेड यूथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया किस तरीके से बताया कि गुरुजी ने समाज के लिए, गुरुजी ने वेश्याओं के लिए, गुरुजी ने बेटियों के लिए कितने महान कार्य किए हैं, कितना कुछ गुरुजी ने समाज के लिए किया, और आज भी गुरुजी वो कार्य अपने फॉलोवर द्वारा करा रहे हैं। क्या ऐसे संत की आज समाज को ज़रूरत है? ज़रूरत है, ऐसे समाज सुधारक की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके रहते हुए ही समाज में ये सारे कार्य हो सकते हैं, ये सिर्फ गुरुजी द्वारा ही संभव है। ऐसे ही सच्ची खबरें देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।